Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो आप सबका डिमांड रहता है कम बजट का कार, जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख का बजट का कार। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि वैगन आर लगा हुआ है, ऑल्टो K10 है, ओमनी है और एक सेंट्रो है। तो सारा कार का चलिए डिटेल देने वाले हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे सुल्तान जी हैं, वो डिटेल बतलाने वाले हैं। ये कौन से साल की वैगन आर है? ये है 2008 मॉडल वैगन आर। 2008 मॉडल वैगन आर, VXI है। VXI है, और इसमें आपको मिल जाएगा AC, हीटर, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, फ्रंट में पावर विंडो। अच्छा अच्छा और कौन सा ओनर हुआ ये? ये फर्स्ट ओनर है। और कितना चला हुआ है ये? चला हुआ 62,000। 62,000 चला हुआ है। तो इसका प्राइस बताइए आप। इसका प्राइस है 1,55,000, यानी कि 1,55,000 है। तो चलिए इस वैगन आर का सारा डिटेल जान लिए, अब देखते हैं कि ऑल्टो K10 लगा हुआ है उसका डिटेल जानते हैं। तो ये हजारीबाग नंबर है और इसका डिटेल जानते हैं। बताइए इस ऑल्टो K10 के बारे में कि कैसा कंडीशन में है ये? ये अल्टो K10 है, 2011 मॉडल, VXI है। इसमें आपको मिलेगा पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, AC, हीटर, म्यूजिक सिस्टम, सारा कुछ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। इसका प्राइस है 1,65,000। 2011 बोले थे? 2011 मॉडल। कौन सा ओनर हुआ ये? सेकेंड ओनर है। सेकेंड ओनर है। कितना चला हुआ ये? चला हुआ है 84,000। 84,000। अब प्राइस तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं कि प्राइस है 1,65,000 इस ऑल्टो K10 का। ऑल्टो K10 का चलिए 1,65,000 है। उसके बाद देखते हैं कि मारुति की ओमनी लगी हुई है उसका डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मारुति की ओमनी लगी हुई है और नंबर की बात करते हैं तो 02 यानी कि हजारीबाग नंबर है। इसके बारे बताइए सर। ये मॉडल है 2010। ठीक है, मारुति वैन है। और इसका प्राइस है 1,60,000। 1,60,000, उसमें कुछ कम हो जाएगा? हाँ कम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ओनर हुआ ये? ओनर सेकेंड है। सेकेंड ओनर जी। और कितना चला हुआ है? चला हुआ ही 70,000 के लगभग। 70,000 के आसपास चला हुआ है। और कंडीशन कैसा है? कंडीशन फुल बढ़िया कंडीशन है। बढ़िया कंडीशन है। अच्छा, सर्विस वगैरह किया हुआ रहता है या सर्विस कराना पड़ेगा? वो कस्टमर लेने के बाद एक बार अपने सर्विस करा लेते हैं। चलिए ठीक है। और ये बताइए कि नाम ट्रांसफ़र आप लोग करा दीजिएगा? नाम ट्रांसफ़र हम लोग करा देते हैं और वो जो खर्चा लगता है वो कस्टमर का ही लगता है। कितना लगेगा उसमें नाम ट्रांसफर का? नाम ट्रांसफर में 4,500 लगता है। 4,500 लगता है, यानी कि 3,000 से लेकर के 5,000 के आसपास के बीच है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी जो जानते हैं डिटेल वो सेंट्रो का जानते हैं और आइए उसका डिटेल आप लोगों को बतलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रो लगी हुई है, कंडीशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 01 नंबर है, रांची का नंबर हुआ। बाकी डिटेल जानते हैं भाई से। जी ये हुआ 2008 मॉडल सेंट्रो है। कितना चला हुआ है? चला हुआ है 98,000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, इसमें आपको बढ़िया है? जी बढ़िया है। इसमें मिलेगा चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, AC, हीटर, म्यूजिक सिस्टम, सारा कुछ मिलेगा इसमें, सारा कुछ लगा हुआ है। गाड़ी का कंडीशन भी बढ़िया है। अच्छा अच्छा, और ये सारा तो आपका कैश में अवेलेबल हो? जी कैश में ही। और फाइनेंस का कोई सुविधा नहीं है? क्योंकि कम बजट का कार है इसलिए। जी जी, यानी कि 1 से 1.5 लाख का बीच का बजट है। हाँ। तो इसको आप डायरेक्ट कैश में खरीद सकते हैं। तो ये था चारों कार का डिटेल।
तो चलिए आज मैंने आप लोगों को यहाँ जो भी चार कार्स थी, चारों कार्स का डिटेल मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को ये कार पसंद आएगा, बजट पसंद आएगा, तो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप बात करके यहाँ का कार आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।